तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम लोग बड़े लंबे सफ़र के बाद आखिरकार अपनी मंजिल में पहुंच गए। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली बार बाइक चला रहे हैं तो पहले वो नहीं चला रहा मोटा, वरना दोनों इंशाल्लाह जिंदा गंडी पहुँचते। दादे बाबा ख़त्म पेट्रोल। ओए सही वीडियो तो दिया मैंने तू भी पेट्रोल ख़त्म नहीं नहीं है अरे ख़त्म पेट्रोल बंद लगो बंद जाहिल पेट्रोल बंद चलो भाई जिंदा टांगो अच्छा तो कितरों पर आ तो भाई बहुत दूर है आगे आगे सफर आप देखते हैं बाकी के रास्ते के बाद मेरे बाय। मसला हो गया असला निकालना पड़ेगा। ओ भाई जान चाचा मारते जाने तो उर्दू प्लीज आई डोंट वाली भगाऊंगा भगाने मजा नहीं आएगा ये वाली भगाऊंगा भगाने मजा आएगा ना सकत बनी उबारी वाले अरे हो मुके न करनी सकत नहीं मां वाला नहीं मुके भाई अभी तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाइक एक्सचेंज हो रही है उसको भी चलानी नहीं आती इसको भी चलानी नहीं आती वाली माल है अद्दा थोड़ी सी तो भाई अभी जमीन में की टांग सो गई थी तो उनको सही से जगाने के बाद उनके मुंह पे पानी छिड़कने का दोबारा अपने सफर पे आगाज कर चुके हैं और यहाँ पे दोबारा हरियाली आ चुकी है। लालकाने में आपको सिर्फ हरियाली बंजर हरियाली बंजर ये देखना हरियाली रोमांस
दरबार हैदराबाद दरबार के पास सामने ये ना ये नहीं आगे उस साइड है तो हैदराबाद दरबार सामने अगर आप नजर आ रहे हो अगर आप चीज की जगह होगी तो आपको नजर आएगा वरना आप अपनी आँखें निकलवा के उससे ना गोटिया के लिए अगर नजर आपकी चीज बाकी यहाँ पर भी हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद दरबार और अभी यहाँ पर हम लोग रुकने तो नहीं वाले यहीं से हम लोग तीसरे में तो चौदह हो पहुँच वाले दिख रही ये रहा हैदराबाद दरबार तो यहाँ पर हमारी पिक्चर दिखी थी जब हम पेपर देने आए थे ओह मेरे मेरे बिछड़े दोस्त बैठे हैं मोटू पतलू मगर दो 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 मोटू पतलू जुल्फी भाई अब कहाँ जाने अब कहाँ जाने नो ब्रो थैंक यू वेरी मच अब चलते हैं घर भाई यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है ये लोग अचानक गिरने लगे थे और उनके बिल्कुल बराबर से ठोकने ये बिल्कुल ऐसे कितनी सी जगह से रह गया कौन मोटर पे पेट्रोल कहाँ से ज़्यादा अल्लाह ने बचा लिया ऐसी उनकी करोला में डूबते पहले हड्डियाँ टूटती हैं फिर वो और तोड़ते फिर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही बाइक का मसला आ गया वे अभी बहुत गलत सीन हो गया था अभी हुआ है ये मोटर पे पेट्रोल ना ऐसे वहाँ से आ रही चलो वहाँ से ऐसे अचानक से ऐसे जैसे हमारी बाइक बंद हो गई ना इनकी बाइक बंद हो गई अचानक फिसल गई तो भाई इतनी सी जगह से मोटर की गाड़ी चल गए वरना वहाँ पहले उसमें टूक के हड्डियाँ टूटी फिर वो टूक के और हड्डियाँ टूटी भाई अभी यहाँ पर हम लोग तैयार ऊपर से नीचे तक हो चुके हैं हमारे साथ हमारा छोटा सा कदम तैयार इसने भाई पूरा प्यारा सा तैयार हो चुका है ये भी कुछ पहन के बाकी हमने कुछ पहना है ये कुर्ते और खड़ी हो रही है थोड़ी वो रहेंगे और नीचे वाले शूज है प्यारे से बाकी आपको भाई ओके लग रहे बिल्कुल सेक्सी फ्रेश हो के आ चुके एक बजे फंक्शन डेढ़ बजे स्टार्ट होगा अच्छा ना डेढ़ बजे फंक्शन स्टार्ट होगा बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी की टिकट कराने फंक्शन स्टार्ट होने से पहले टिकट करवाने जा रहे हैं बाकी जल्दी टिकट वगैरह करवा के आते हैं अड्डा के साथ और फंक्शन में जाते हैं उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या होते हैं उसके बाद आपसे बात करते रहेंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए बाय जमीन जी बताओ खड़े बखारी में इसने खाया इसने खाया और मैंने खाया और अभी खाना वगैरह हो चुका है अभी सारे तो जा रहे हैं अभी देखते हैं थोड़े टाइम बाद आधे घंटे तक हम लोग भी निकल जाएंगे हमने खाना खा लिया तो भाई शादी से फौरन हम लोग डायरेक्ट हम लोग गए थे बस स्टॉप पे हमारी बस थी 5 बजे की तो हम लोग 5 बजे बस में बैठ जाते हैं और अब आगे का सफ़र हमारा कराची की तरफ का था तो आगे आप सीनरी इन्जॉय करें और फिर हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं बाय
तो यहाँ पे बस रुक गई थी और यहाँ पे रेंजर्स की चेक पोस्ट थी, चेकिंग हो रही थी। तो रेंजर्स वाला आया, आधा अपना शनाख्ती कार्ड निकाल NIC निकाल के बैठे हुए थे, आके अद्दा को देख के बोलने बन गया तेरा। तो भाई यहाँ पे बड़ा फनी मोमेंट हो गया था, सब लोग बस में हंस रहे थे। बाकी आगे आप सफ़र देखते रहें और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय। तो भाई पिछले क्लिप में आपने एंड का देखा होगा, हमारे हम लोग बस में थे और अभी मैं अचानक वापस कैसे आ गया। भाई इसका जवाब है मेरे पास, कल रात को बस में रिकॉर्डिंग करते करते मेरा मोबाइल हो गया पावर ऑफ, बैटरी ख़त्म। अंदर के मोबाइल में कैमरा अंधेरे में चल ही रहा बिल्कुल ना, रिकॉर्डिंग ना के बराबर हो रही। तो कल 12-1 बजे हम लोग जाके घर में, अपने घर में एंटर हुए थे, फिक्स 1 बजे घर के अंदर एंटर हुए थे। एंटर होते ही आपको पता होगा कितनी थकन हो गई थी, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले हम लोग तैयार हुए, फिर खाला के घर गए, फिर वहाँ से शादी में गए, शादी के फंक्शन से डायरेक्ट हम लोग गए बस से पकड़ी और बस से डायरेक्ट घर। तो बग़ैर आराम किए, बग़ैर कुछ किए, डायरेक्ट इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था कि हिम्मत नहीं थी कुछ गौर करने की। और वेडिंग वगैरह की क्लिप्स में आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, क्योंकि मतलब जैसे किसी में वॉइस थी, किसी में कुछ, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत पड़ थे। मतलब ऐसे नहीं थे कि हम लोग मेहमान थे, ये था कि हमारे कज़न की शादी थी, जैसे हमारे ना ऐसे हमारे कज़न की शादी थी। तो काम यहाँ भागो वहाँ भागो, जितनी रिकॉर्ड हुई खाने की जितनी रिकॉर्ड हुई बस उतनी रिकॉर्डिंग की, बाकी ये कि इंजॉय हुआ अच्छा खासा, कज़न लोगों के साथ घूमे बाहर, आपने वो देखा वो सीन में। बाकी ये कि अभी आ चुका हूँ मैं ऑफिस में, अभी ऑफिस में आके कल रात को 1 बजे आया था, 3 बजे आँख बंद हुई है सोया हूँ और सुबह आते ही ऑफिस का काम स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ फ्रूट ले आया हूँ, ये खाते खाते भी ऑफिस में काम करते हैं थोड़ी एनर्जी वगैरह आती है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है काम करने तक की हिम्मत नहीं, मगर ये है कि काम तो करना है, काम करते हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जा रही हूँ।